बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए एक और वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आ गए हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो देखना पूरी। अच्छा, तो हमारी आज की वीडियो जिस एरिया के बारे में है उसका नाम है बफर जोन। व्हाट इज़ बफर जोन? बफर जोन का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? सही है। अच्छा, बफर जोन का मतलब है शहरी फैलाव को रोकना। मतलब एक शहर को एक लिमिट है, जैसा अगर एक शहर की लिमिट है 10 लाख लोगों की, मतलब पॉपुलेशन 10 लाख होगी, तो बस उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो शहरी फैलाव को रोकना है इसका मेन जो मकसद है, मेन जो मीनिंग है बफर जोन का, वो है शहरी फैलाव को रोकना। सही। अच्छा, अब बात करते हैं मेन। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन 1950 में इस एरिया को रिजर्व कर दिया था एज बफर जोन, बफर जोन का नाम दे के। वो क्यों? क्योंकि एट द टाइम जब पाकिस्तान बना था तो ये कराची जो था ये बनना था पाकिस्तान का कैपिटल, तो इसकी आबादी जो थी इसको लिमिटेड रखनी थी, शहर के ऊपर फोकस करना था, जो कि मेन वजह थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया रिजर्व कर दिया गया था। रिजर्व किन के लिए? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, गैर मुल्की टूरिस्ट मेहमानों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, सब इस एरिया में बनने थे, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था। और यहाँ पर कराची का जो शहर है उसको एंड करना था। लेकिन फिर लेटर ऑन ये फैसला हुआ कि कैपिटल जो है, कंट्री का जो कैपिटल है, उसको कराची से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद को बनाना है। और फिर जब 1960s में ये फैसला हुआ कि कैपिटल को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद को बनाना है और कराची को छोड़ देना है, तो फिर क्योंकि उस टाइम सब लैंड हुआ करता था, तो जितना भी जो लैंड वाला एरिया था ना, जो रिजर्व्ड कर दिया गया था एज अ बफर जोन, उसको जो है सेल कर दिया गया ज़मींदारों को, बेच दिया गया, वो भी बहुत कम दामों में। क्यों? क्योंकि कैपिटल इस्लामाबाद को ठहरा दिया गया था कि अब इस्लामाबाद में काम करना है एज अ कैपिटल। तो ये है। और इस इलाके की एक मशहूर बात जिस वजह से बफर जोन जाना जाता है, वो ये कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वजह है कि बफर जोन इस नाम से भी, मतलब इस वजह से भी थोड़ा जाना जाता है, थोड़ा मशहूर है। तो भाई, ये थी आज की हमारी शॉर्ट सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो और जो भी इलाके आप लोग चाहते हैं कि पर मैं करूं थोड़ी बहुत रिसर्च और आप लोगों को बताऊं शॉर्ट शॉर्ट सी स्टोरी, शॉर्ट शॉर्ट सी जो इनकी हिस्ट्री है वो लाऊं, तो भाई मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन से एरिया के बता रहे हैं लोग, लेकिन और बताओ। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।